भाई नहीं भाई, जब हाफ आर्ट होगा ना तब अब हाफ आर्ट हो गया यार। और वीडियो में जाने से पहले आज सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइज एंड आई लव यू यार, थैंक यू सो मच फॉर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आएंगे, बट आ चुके हैं। और मैंने तुम लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग जाएंगे फ्लीट SMP में, तो आज हम लोग वही वादे को कंप्लीट करने वाले हैं। और बाकी यार तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि एक्चुअल में फ्लीट SMP है क्या। तो यार ये मेरा 1.5 साल पुराना वर्ल्ड है जो मैंने और मेरे दोस्तों ने स्टार्ट करा था, तो हम लोग वहां जाने वाले हैं। बाकी छोड़ा क्यों यार, वहां पर एक्चुअल में ना हीरोब्राइन का अटैक हो गया था और उसके बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा लाइक उससे लड़ाई भी करी, सब कुछ किया, बट फाइनली हम लोगों को छोड़ना ही पड़ा। तो आज हम लोग उसी वर्ल्ड में वापस से जाने वाले हैं और देखने वाले हमारे जितने भी मासिव बिल्ड्स थे, एकदम खतरनाक खतरनाक चीजें थी, क्या वो वहां पर है। और बाकी फ्यूचर गोल तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यार, अब 3 मिलियन जाना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। इस वीडियो का लाइक गोल रख रहे 1 लाख लाइक का, तो जल्दी से लाइक वाला बटन भी दबा दो और चलते हैं फ्लीट SMP की तरफ को। तो हम लोग अपनी कॉलोनी के पास नहीं आए भाई, हम लोग कहीं डेजर्ट में आ गए। एक मिनट भाई मेरे को, ओके ठीक है, ये वो कोऑर्डिनेट नहीं है जहां पर हमारा वर्ल्ड था, तो हम लोग अभी भी जा सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट मेरे को यहाँ पे याद है। भाई मेरे को ये डर लग गया कि हमारा जो लाइक फ्लीट SMP है ना वो बहुत ज्यादा, ओके विलेज भी दिख गई है, लेट्स गो। जो हमारा फ्लीट SMP ना वो बहुत ज्यादा पुराना वर्ल्ड है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला 1.5 साल पुराना। तो उस टाइम पे हम लोग जो लास्ट, मेरे को याद है जब लास्ट टाइम मैंने उस पर खेला था, तो हम लोग उस टाइम पे 1.16.5 में खेलते थे, ठीक है। तो 1.16.5 से 1.18.1 आ चुका है, तो मेरे को लगा हेलो चल क्या रहा है, यहीं पर एक नई दुनिया बना दूं क्या भाई, इतना बढ़िया सामान मिल। लेट्स गो गाइस, फूड वूड हम लोगों को दिख चुका है। खैर मैं मजाक कर रहा हूं यार तुम लोगों से, तुम्हें पता है कि ये वीडियो किस बारे में है, तो हम लोग वही करने वाले हैं जिस बारे में ये वीडियो एक्चुअल में है। तो हम लोग सबसे पहले ये सारा का सारा जितना भी है ना ये हेबेल उठाते हैं, ताकि है यहां पर, ओके ठीक है। तो बाकी यार अभी हम लोग क्या करते हैं ना, देखो फटाफट से फूड वूड बनाते हैं, थोड़ा बहुत बेड वेड लेते हैं और फिर सीधे निकलते हैं और थोड़ा सा इसको भी लूट ही लेते हैं। फिर अब आ ही गए हैं तो ठीक है ना, थोड़ा देख लेते हैं ना, क्या पता डायमंड मिल जाए भाई। हाँ जी गोलम भैया जरा यहाँ तो आना, अरे लगी नहीं, अब लगी ना। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर लिटरली लाइक सब कुछ तो नहीं लूटा, बट जितना हम लोगों को फूड चाहिए था, फूड के लिए अपने पास बहुत सारा सामान हो चुका है। बस एक लास्ट चीज़ यार, वो यार पता नहीं यार, मतलब देखो कायदे से हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है शायद से, बट यार फ्री का ऐसे दिखता है ना जब, तो भाई बहुत ज़्यादा मन करता है लूटने का। 2 मिनट लगेंगे, फटाफट से जाते हैं इसको लूटते हैं और फिर सीधे फ्लीट SMP की तरफ को निकलते हैं। भाई डर तो लगता है भाई, जो भी बोलो भाई, ये हर बार ट्रिक काम करती है, बट डर तो थोड़ा बहुत लगता ही है यार। ये एमरल्ड ले लेते हैं, ये वाला एमरल्ड ले लेते हैं, ये ओह आयरन, लेट्स गो। ओए हमने कुछ छोड़ा तो नहीं ना लास्ट टाइम, मैंने यार बहुत सारा आयरन छोड़ के चले गया था मैं इधर से। बस ठीक है, बढ़िया ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और सीधे चलते हैं फ्लीट SMP की तरफ को। लाइक हम लोग थोड़ा दूर तो है यार, मजाक नहीं करूँगा, 2-3 हज़ार ब्लॉक से ज़्यादा ही दूर है हम लोग, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर बिल्ड करते हुए फटाफट से बाहर निकलते हैं। भाई मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई वापस से अपनी फ्लीट SMP देख। भाई मेरे को अपना मेनली घर देखना है भाई, घर, घर के नीचे मैंने इतनी सारी लाइक फल वल सब्जियाँ उगा रखी थी भाई, वो सारी देखनी है। बहुत मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये एकदम नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग होने वाली है जब हम लोग वहाँ जाएंगे ना। मेरे को देखना है भाई कि आखिर लाइक भाई क्या हुआ होगा 1.5 साल, लाइक हम लोग कम से कम नहीं भी तो 1 साल बाद जा रहे हैं शायद से फ्लीट SMP के अंदर, लाइक 1 साल नहीं भी तो। एक्चुअली हाँ मैं पिछले मार्च में शायद से लास्ट स्ट्रीम किया था उसमें, तो देखते हैं एक बारी कि क्या हुआ होगा इतने ज़्यादा टाइम बाद, 1 साल बाद भाई क्या ही चल रहा होगा वहाँ। तो गाइज यार कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो हम लोग आ चुके हैं, बट यहाँ पर तो कोई भी SMP नहीं दिख रहा है मेरे को। भाई ऐसे मत बोलना कि 1.18.1 में वर्ल्ड पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि सही बता रहा हूँ भाई, ये हम लोगों ने 1.5 साल में बनाया था और उसके बाद ठीक है 1 साल हम लोगों ने इसमें खेला भी नहीं, पर बहुत भाई हम लोग 8-8, 10-10 घंटे खेलते थे इस वर्ल्ड में, तो बहुत क्रेजी चीज़ें थी। बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे, कुछ भी नहीं है प्लेन्स में, जंगल ट्रीज वाइन्स,
एक मिनट, माइसीलियम में लगे हुए नेदर के ट्रीज। गाइस हम लोग एसएमपी के पास आ चुके हैं भाई, मजाक नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लाइक ठीक है, 4-5 हजार भाई यहाँ नहीं होते, ठीक है, लाइक 4-5 हजार ब्लॉक पूरे के पूरे हम आए यहाँ पे, टाइम लग गया, बट फाइनली वी आर हेयर। और भाई साहब ये अगर तुम लोगों को नहीं पता ना क्या है तो अच्छी चीज है भाई, तुम्हें ना ही पता हो भाई, ये बहुत खतरनाक विच हाउस है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, अगर तुम्हें पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओ और ये था हमारा पुराना एक्सपी फार्म भाई, ये बहुत क्रेजी। ओ हमारा पुराना फूड फार्म भाई, ये कितना सही लग रहा है भाई देखने में। भाई यार वापस आ चुके हम लोग फ्लीट से, लेट्स गो गाइस। गेमर फ्लीट हैज एंटर्ड रेडिएशन जोन। भाई किस बात का रेडिएशन है यहाँ पर, ये कासल और ये पानी ऐसा के कलर, ये क्या हो रहा है, व्हाट, ओए पॉइजन कहाँ से लग रहा है भाई, हेलो, और ये भाई चक्कर आ रहे मेरे को सही में भाई, क्या हो रहा है ये भाई, मैं मरने वाला हूँ गाइस, मैं मरने वाला हूँ, एक मिनट, ओ ये पॉइजन है, हम मर तो ना सकते इसमें। ओके बच गए भाई, गाइड ढूंढते भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हेलो ये किसकी आवाज है भाई, हैं भाई ये मर के कहाँ आया हूँ मैं, ये हेलो भाई, लास्ट टाइम मैं डेजर्ट में आया था, इस बार ये कहाँ आ गया मैं। तो गाइस मैं कैसे ना कैसे करके हमारा जो लाइक कॉलोनी थी उसी के पास पे ही आया हुआ हूँ यार, लेकिन वहां पर तो रेडिएशन हो रही है भाई, हम लोगों को लिटरली नौजिया लगा और उसके बाद पॉइजन भी लगा, और फिर पता नहीं किस चीज की आवाज सुनी भाई मैंने, कोई तो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया मेरे पास भाई, और उसने मेरे को वन हिट, चलो खैर मैं तो हाफ एचपी था, पता नहीं कौन था भाई वहां पे, उसने लाइक सीधे मार दिया मेरे को भाई, उसने ना बताया ना बोला कुछ भाई, ये बहुत डेंजरस हो रहा है, मेरे को अपने एक और दोस्त को बुलाना पड़ेगा और उससे कुछ तो लाइक हम लोगों को सोचना पड़ेगा भाई। अगर मैंने तुम लोगों से बोला ना कि हम लोग भाई 2.5 मिलियन पे जाएंगे गारंटीड अपने पुराने वर्ल्ड में, तो हम लोग जाके रहेंगे और देख के रहेंगे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों मैं फटाफट से अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ, आई होप वो मेरा फोन उठा ले भाई, अभी रात के 12 बज रहे, बहुत ज्यादा लेट हो रही है, ठीक है, बस वो कॉल उठा लेना एक बारी, मना तो उसको कैसे भी लूंगा मैं। हेलो हाँ सुनना, अभी आ सकता है क्या भाई? अरे भाई यार घर आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, फ्लीट एसएमपी में आएगा क्या भाई, कौन से ये क्या बात कर रहे हो भाई? अबे यार तू इतना बता कि आ सकता है या नहीं आ सकता है भाई, मैंने प्रॉमिस किया था यार अपने सब्सक्राइबर्स को कि 2.5 मिलियन पे ले जाऊंगा, बट यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तू ये बता तू आ सकता है या नहीं आ सकता है भाई, पंगा हो गया भाई, अब 1 मिनट में आया भाई। चलो डन। A few moments later. आता ही होगा, मतलब यार थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना भाई, आ जा प्लीज। ए मेरा बेटा आया है। अरे मजाक कर मजाक। भाई सुन, हमें जाना है फ्लीट एसएमपी में, ठीक है? अच्छा। लेकिन वहां पर चारों तरफ सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन है भाई, नॉइजिया पड़ रहा है, पॉइजन पड़ रहा है, और मैंने तो कुछ आवाज भी सुनी भाई, बहुत खतरनाक। अरे यार तुम्हारा फिर पुराना चालू हो गया भाई, रेडिएशन तो क्या हो गया, हम कहीं और घर बनाएंगे, ये देखो। अरे पागल है क्या, अभी जाना तो वहीं है ना, देख के तो आना है। रेडिएशन बेकार चीज होती है भाई, मुंह मत लगो रेडिएशन के, ना नो 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 नो, इसको खाली नहीं बुला दिया मैंने, तू जा रहे, मैं कर लूंगा, जा तू। ठीक है ठीक है, आई विल हेल्प यू, बताओ कैसे करना है। अबे तो अगर हम लोग सोच रेडिएशन है, अगर हम लोग सूट पहन के जाएंगे तो भाई हमें कुछ होगा ही नहीं ना। तो भाई सूट तो लड़कियां पहनती है भाई, तुम सूट यार, सूट सलवार थोड़ी ना बोल रहा हूँ बेवकूफ, हैजमेट सूट की बात कर रहा हूँ ये। अच्छा ठीक है, बताओ बनाना कैसे, बताओ अभी हम बनाएंगे। अरे वो तो हम लोग बना लेंगे, देख हमें थोड़ा ही सामान चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को सबसे पहली चीज जो करनी पड़ेगी ना वो होगा हम लोग को एक विलेज ढूंढना होगा, वरना हम लोग खाने के वांदे होके मर जाएंगे भाई ना। यहाँ पे मेरे को आसपास मतलब मेरे को सही में कोई लाइफ ही नहीं दिख रही भाई, क्या हो गया पता नहीं फ्लीट एसएमपी को, रे ना मेरे को ज्यादा चिकन दिखते ना कुछ दिखता है भाई, अजीब हो चुका है ये वर्ल्ड। तो एक काम करते हैं, अजीब तो दिख रहा है, पहले एक काम करते हैं फूड के लिए विलेज ढूंढते हैं, ठीक है, थोड़े से टूल बना लेंगे रस्ते में और जल्दी से एक विलेज ढूंढते हैं, वरना बहुत जल्दी अपनी एचपी पूरी चले जाएगी भाई। एक मिनट मेरे को कुछ दिखा रहे रोनी, जल्दी आ जल्दी आ, क्या दिख गया भाई? आया भाई, भाई फाइनली हम लोगों को विलेज मिल गई है यार, विलेज मिल गया भाई, भाई अपना सारा खाना वाना सब कुछ खत्म होने वाला था, फटाफट चलते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से फटाफट सामान जमा करते हैं सारे, लेकिन सामान तो क्या ही जमा करना है, रुको जरा एक मिनट, मैं अपने लिए ये भी बना लेता हूँ,
ये देख रहे हो, ये सीधे दौड़ा, देख रहे हो, देख रहे हो उसको, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो सीधे गया वो, सीधे हेबेल पे, देख रहे हो निशाना उसका। अब फटाफट से सारी सारी हेबेल ले लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है। और अब हम लोगों को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा अपना हैजमेट सूट, जाके हम लोग जा सके वहाँ पर। और एक जरा ये भी दिख रहा है तो इसको भी भाई, बड़ा गंदा आदमी भाई। अच्छा चलो ठीक है, ये मेरे पर ध्यान है उसका, तो पीछे से मार रहा है उसको। वाह बेटे मॉल यार, आधा आधा तो कर दे। लो भाई आधा, साले आधा पाधा तेरे को बताता हूँ मैं, रुक जा जरा, सारी के सारी ले लूंगा, रुक जा। हे वे खाना जब मांगेगा ना तब दूंगा तेरे को खाना, रुक जा। चल अभी के लिए तो काफी सामान हो चुका है अपने पास, बस लास्ट एक ये हेबेल को, एक हेबेल लगा रख लेते अपने पास, ठीक है। अब हम लोग फटाफट से जितना हो सकता है फूड बना लेते हैं, तू भी बना ले, आजा अपना जितना भी हेबेल है उससे ब्रेड बना ले। अब हम लोगों को क्या करना, देख हम लोगों को हैजमेट सूट बनाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो होगा 3 लेदर, 1 स्ट्रिंग, 1 डाई, तेरी मर्जी जो भी कलर तेरे को चाहिए, ठीक है। 3 लेदर, 1 स्ट्रिंग, 1 डाई, 2 आयरन, ठीक है। तेरे को कितना आयरन मिला उससे? 4। 4 मिला है सही में? यस यस यस। भाई को 2 तो देगा ना, ले लो 1। वाओ इससे ज्यादा को तो मांगना, बड़ा कुत्ता आदमी है भाई। ठीक है कोई बात नहीं, एक भी मिल गया, ठीक है। हम लोगों को अब चाहिए होगा आयरन, और एक लास्ट चीज चाहिए होगी हम लोगों को 2 ग्लास, ठीक है। तो ग्लास तो तुम लोगों को पता है हम लोग अभी के अभी बना सकते हैं, पहले बस ये करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। और अब फटाफट से सैंड निकाल लेते हैं, ठीक है। देयर वी गो, 4, ठीक है, 4 बहुत होगी अपने लिए। देयर वी गो, और इसको हम लोग अभी के लिए तो वुड से ही बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो तेरे लिए मेरे लिए मैंने दोनों के लिए ग्लास बना दिया है। हाँ ये कर, हाँ डंडी से तोड़ 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 डंडी से, देख रहे हो तुम लोग प्रोफेशनल। चलो अभी हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को बस ये ग्लास चाहिए होगा, और उसके बाद हम लोग लेदर के लिए निकलेंगे, ठीक है। मेरे को लेदर चाहिए भाई, फटाफट से लेदर, आजा रोनी चल लेदर ढूंढते हम लोग, बस घोड़े मिल जाए कहीं पे मजा आ जाएगा। तो गाइज यार लेदर भी हम लोग लेके आ चुके हैं, अब हम लोगों को अगली चीज चाहिए होगी वो होगी डाई, ठीक है। तो डाई जमा कर लेते हैं फटाफट से, मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट रुको, ये मेरे पास एक पॉपी भी पड़ा हुआ है ना, मैं तो भाई ऑरेंज के साथ जाने वाला हूँ। ये देखो भाई, ये क्या, ये किया, और ये रहा अपनी ऑरेंज डाई आ चुकी है। मैं तो भाई ऑरेंज हैजमेट सूट बनाऊंगा अपने लिए, ये हो गया। मैं तो येलो बनाऊंगा भाई, उसके लिए मेरे को सामान मिल गया ना भाई। बहुत ही ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं पड़ी तेरे को येलो लेने में, देख रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा मुश्किल था यार। हाँ अपनी कुल्हाड़ी से फूल तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चलो अभी के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोग के पास लेदर आ चुका है, हम लोग के पास आ चुका है, अब हमें स्ट्रिंग चाहिए होगी। स्ट्रिंग के लिए हमें रात तक रुकना पड़ेगा, जब स्पाइडर आएंगे तभी हम लोग स्ट्रिंग उनसे ले पाएंगे। और बाकी हम लोगों को जो चीज चाहिए होगी, ग्लास, ग्लास मैंने बना के रखने दिया हुआ है, और बाकी आयरन, यस मेरे को आयरन, बस एक आयरन चाहिए, ठीक है। तो मैं एक आयरन तो ऐसे ढूंढ लूंगा भाई, ये देखा यार, अरे हो गया यार, बच्चों से आयरन नहीं लेता मैं, समझा क्या। तो गाइस अब हम लोग क्या करना, देखो ये ग्लास ले लेते हैं, और इसमें हम लोग अपना लास्ट ये रॉ आयरन भी डालते हैं, ठीक है। तो अपने पास सारा का सारा सामान आ चुका है जो कि हम लोग को एक हैजमेट सूट बनाने के लिए चाहिए होगा, बस ये लास्ट आयरन आ जाए उसके बाद बना के देखते हैं। बस प्लीज भगवान ये गलत रेसिपी ना हो, या फिर ऐसी कोई चीज बनती ही ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग को 3 लेदर रखना है, वो रखना है हम लोगों ने ऐसे करके, उसके बाद हम लोग को 2 आयरन ऐसे रखना है, 2 ग्लास ऐसे रखना है, ये ले लियो रॉनी, तो अपना ग्लास ले लियो, ठीक है, तेरे को भी काम आ जाएगा आगे जाके। और उसके बाद हम लोगों को चाहिए, अरे यार स्ट्रिंग का तो मैं भूल ही गया, हम लोगों को अभी भी एक स्ट्रिंग चाहिए होगी। रुको हम लोगों को कोई तो केव वेव में जाना पड़ेगा, वहां पर स्पाइडर मारनी पड़ेगी, क्योंकि रात तो अभी बहुत ज्यादा दूर है यार। और बाकी ये 1.18.1 है, तो इसमें केव ढूंढना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, हमारे पास कोई आर्मर नहीं है, कुछ नहीं है, पर आज तुम लोगों को मैं एसएमपी दिखा के जाऊंगा भाई। ओ भाई किस्मत, ये देखो, एक मिनट रुको यार, रुको, यहाँ पर बहुत ज्यादा भाई अंधेरा भी है और डेंजर भी है, तो थोड़ा सा ना पहले टॉर्च वॉर्च बना के लाते भाई। वहां पे नीचे माइन शाफ्ट है, माइन शाफ्ट मतलब अनलिमिटेड एकदम, मतलब सोच रहे हो तुम लोग भाई, हो गया अपना काम भाई, स्ट्रिंग तो हर जगह मिल जाएगी। तो चलो गाइस चलते हैं नीचे, और या तो फिर हम लोग का ऐसी स्ट्रिंग मिल, ओ ये क्या हुआ, ओ मेरे पीछे कोई क्रीपर था भाई, वो ऑलमोस्ट फटने वाला था, ये देख रहे हो, ये साला ना मेरे को मरवाएगा तू। ओ भाई सॉरी, चलो ठीक है अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं भाई, एक मिनट ये है कहाँ, लेकिन बड़ू है यहाँ पे खाली 4 लकड़ी कोई लगा के गया क्या भाई, कोई तो हमारे साथ गेम खेल गया भाई। भाई मेरे को सही में लगा कि यहाँ पर वो है
माइनक्राफ्ट। हाँ मैंने कहा माइनक्राफ्ट का कुछ हो गया मैं। वो ये क्या भाई, ये कैसी केव है पानी की? मूड खराब कर दिया भाई। ओए क्या वो भाई? तो इस साइड को है। अरे ये है तो सही। ओ ये हाँ ये तो नहीं पूरी माइनक्राफ्ट है ब्रो। ओ यस आजा फटाफट हम दोनों को स्टिक मिल जाएगा। यार मैंने स्वर्ड क्यों नहीं बनाई यार, अब ये थ्रेड तोड़ने में आधा घंटा लेगा। तू देखना मेरे को कोई मारे ना, मैं दोनों के लिए लेता हूँ एक एक थ्रेड भाई। ये तो इजी हो गया और ये फाइनल चीज है जो हम लोगों को चाहिए थी हमारे लाइक हैजमेट सूट बनाने के लिए। और आई होप बन जाए भाई। बस ये भाई कल तक टूट जाएगा साले, तू खुद तोड़ लेना, इतना ही हो रहा है तो कल तक टूट जाएगा। अबे मिला भी नहीं मेरे को भाई, स्वर्ड ही चाहिए होगी। तेरे पास स्वर्ड है भाई लेके आ। अरे रुक जा रुक जा, क्या? अरे नहीं नहीं जरूरत ही क्या है, लकड़ी चाह। अरे ये वाह बेटे मकड़ी आओ भाई, फ्री की फ्री। अरे दो व्हाट करेक्ट, दो स्ट्रिंग दी। चल चल यहाँ से निकलते हैं, बहुत बढ़िया निकले। आजा आजा इस साइड से निकलते हैं हम लोग। हाँ आजा फटाफट आ गया पीछे पीछे हूँ। तो गाइज हम दोनों ने सामान पूरा का पूरा जमा कर दिया जो हम लोगों को चाहिए होगा, अब बस एक ही काम है ठीक है। आदत से मजबूर हो भाई, थोड़ा सा इधर उधर हाथ चल जाता ना। तो देखो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है ठीक है रॉनी, अब हम लोग फटाफट से सोने जाते हैं और अगली सुबह को हम लोग बनाएंगे अपने लिए खुद के हैजमेट सूट भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट अभी के लिए तो किसी का घर कब जाना पड़े, इसको पेल दूं। चल भाई उठ जा। अरे नहीं यार प्यार से पूछो, ऐसे ही ध्यान देते। तो गाइस हो चुकी है अगली मॉर्निंग और अब है सच्चाई की घड़ी। क्या ये हैजमेट सूट सही में बनता है या फिर हमें किसी ने बेवकूफ बना दिया है भाई, लेट्स सी ठीक है। हम लोगों को यहाँ पर एक ये ले रोनी, ये स्ट्रिंग ले लियो ठीक है, तेरा सूट बनाने में काम आएगी। यहाँ पर रखना है और फाइनल। ओ भाई लेट्स गो गाइस, बन गया भाई ये फाइनली बन गया। यस तो गाइस फाइनली हम लोगों ने हैजमेट सूट बना लिए और उन्हें पहन भी लिया है। तो देयर वी गो भाई, कितना सही, कितना क्रेजी लग रहा है ब्रो। ओ भाई साहब इसका येलो और मेरा ऑरेंज भाई, क्या भाई बस काम भी कर जाए ठीक है ना। लास्ट में पता चला कि काम वाम नहीं कर रहा है तो वो देखते हैं भाई। अभी क्या सही लग रहे हो भाई, ये देख रहे हो तुम लोग एक बार भाई साहब, आगे पीछे से देखो भाई। अगर ये चीज काम कर गई तो गाइस आज तुम लोगों को मैं फ्लीट एसएमपी का पूरा टूर देने वाला हूँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चल रोनी निकलते, तेरे पास फूड वूड तो है ना? बस बेस्ट है, वाओ ब्रदर तुमने तो वो 30 दिन में अंग्रेजी सीखे की क्लासेस भी ले ली है भाई, रशियन भी सीखे मैंने। तो चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं एसएमपी की तरफ। तो गाइज हम लोग पास पहुंच रहे हैं भाई, एसएमपी के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और तुमने एक चीज देखी भाई, एसएमपी के पास जाते देखो मिट्टी कैसे चेंज होते जा रही, देखो वो कितना ब्राइट लग रही है, एकदम से डल हो गई है। बात तो सही है ना, कुछ तो चल रहा है। यस भाई हम लोग, मेरे को भाई कोऑर्डिनेट तुम्हारे भाई को ना यहाँ छपे हुए, चाहे एक साल से नहीं आया तुम्हारा भाई, लेकिन मतलब इतना आसान नहीं है ठीक है, मतलब भूलना इतना मतलब मुश्किल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही आसान है। और बाकी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं भाई, ये मुझे आज भी याद है ये क्या है ठीक है। ये अगर तुम लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है। मेरे को याद है ठीक है, ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों से निकलवा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद है यार मैं। ओ आ गया गाइस, वी आर हेयर, एसएमपी दिख रहा है मेरे को, लेट्स गो भाई। बस यार ये हैजमेट सूट हमारा साथ दे दे भाई, ये ऐसा ना करे कि हम लोग गए और ये पुच्च हो गए ठीक है, बस ये काम कर जाए भाई, ये बड़ी मेहनत से बने। लेट्स सी क्या होता है गाइस, आई होप ओके। नॉट गेमर फ्लूइड एंड रॉनी हैज एंटर्ड रेडिएशन जोन, ठीक है लेट्स सी। प्लीज होल्ड अप करना, अगर हम लोग को नौजिया नहीं लगता है तो शायद से ये सही है भाई। ये देखो एसएमपी के अंदर घुसी मिट्टी का कलर। ओ योर हैजमेट सूट इज अंडर प्रेशर, ओके चल रहा है, मतलब ये चल रहा है ओके। देखो इस एरिया में आते ही हमको लगा ठीक है, तो ये देख रहे हो तुम लोग लेयर में भाई, ये भाई थोड़ा डल हुआ तो ये तो पूरा ही डल हो गया देख रहे हो। और हमारा अगर हैजमेट सूट ले रहा है ठीक है, प्रेशर ले रहा है, तो इसका मतलब कि एटलीस्ट अपना काम जरूर कर रहा है ठीक है, ये खुद प्रेशर लेके हमें बचा रहा है। ये देखो भाई, यहाँ भाई पानी का कलर देखो। ओ हाँ ये चीज मैंने पहले भी ध्यान दी यार, जब मैं आया था ना अभी। ओ भाई ओ ये पानी में कुछ हो रहा है भाई, हेलो रहने दे भाई, इसमें खेलते नहीं है, पता चला ये रेडिएशन वाला पानी है, कुछ हो गया ठीक है। और ये हमारा गाइस शुगर केन पाम भाई, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है, कूल चीज़ भाई मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा मजा आया था इसको बनाने में भाई। ये पूरा फ्लाइंग टाइप है, जो तुमने अगर बाई चांस देखा हुआ है तो फ्लीट एम्पायर में भी देखा होगा, यहीं से मैंने सोच के इसको बनाया हुआ था पूरा का पूरा, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसको हम लोग खोल के भी, अच्छा नहीं हाँ ये खुला हुआ है बट ये चल नहीं रहा है फॉर सम रीज़न, रुको अभी पता करते हैं ठीक है, ये करके देखते हैं। हाँ
ये चल नहीं रहा, ये खराब हो रखा है, ठीक है, इसको हम लोग कभी देखते हैं, अभी तो फ्यूचर में सही करेंगे, क्योंकि हमारे हैजमेट सूट काम करने लग गए, तो हम लोग अभी यहाँ पर, ओ हमारा मंदिर भी है भाई वहाँ पे अभी भी, व्हाट डू हैक बेस्ट चीज, ओ भाई भाई हमारी सबसे पहली चीज थी बाय द वे जो हम लोगों ने इस पूरे सर्वर के अंदर बनाई थी, सबसे पहली चीज थी, सीधा हम लोगों ने एक मंदिर से स्टार्ट, बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी। और ये देखो हमारा कॉबलस्टोन फार्म भी अभी भी, ओ वीट फार्म, ओके इसके अंदर अब कुछ उगता नहीं है, सीधी सी बात है कोई पानी नहीं डालेगा, कोई देखेगा नहीं, कोई वीट नहीं लेगा, तो ये उगेगा कैसे, राइट। तो हम लोग एक बार अंदर जाके देख के आते हैं भाई, मे बी हमारे पास ओए ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है, ओ हाँ ये अंदर भी कुछ नहीं है यार, सारे चेस्ट वेस्ट जा चुके हैं, ओ भाई इसके अंदर वीट देखो भाई, एक मिनट रुको, ये मैंने वीट भर तो लिया है, पता चला ये भी रेडिएशन वाला वीट हुआ, ये खा रहा हूँ मैं, सूट पहन रहे हैं ना सब भाई सब, ये देख हमारा हमारा जो वो था क्या कहते हैं वूल फार्म था, वूल फार्म भी पूरा टूटा टाटा पड़ा हुआ है भाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर भाई, ये क्या मैटर हो रखा है यहाँ पे समझ, ओ भाई ओ नीचे है लेकिन सारी की सारी शीपें मर चुकी हैं ब्रो, ओ अरे तो तोड़ क्यों रहा है उसको, और रेडिएशन वजह से मर गई होंगी ना भाई हमारे सारे के सारे फार्म, ये अपना पुराना वाला आयरन फार्म, ये देखो इसका रास्ता भी अंदर से, भाई यार क्या मस्त है यार ये वर्ल्ड अपना, थोड़ा और अंदर जाके देख के आते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं लिटरल लाइक कॉलोनी के अंदर, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर एक और फार्म है हमारा, ये भी हम लोग देख के आएंगे भाई, वी आर बैक इन प्लीट, भाई मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता है, क्या हुआ भाई, यहाँ आवाज आ रही है यार, ओ ओई योर हैजमेट सूट इज अंडर मीडियम प्रेशर, ओ भाई जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे हैजमेट सूट पे, पता है हो रहा है कुछ हो रहा है ना, हाँ। ओ भाई भाई यहाँ क्या ही रेडिएशन है, ये देखो ये पूरी जमीन भाई वो लग गया है, और ये हमारा पेड़ यार भाई, कितना क्रेजी पेड़ था, लेकिन ये बचा ही नहीं है ना, जमीन देख जमीन को क्या हो गया है, सड़ गया भाई ये देखना जमीन को, देख जमीन को भाई पूरी खत्म हो रखी है, पूरी गंदी सी हो रखी है जमीन, पूरी ज्यादा डार्क कलर रखा देखो, ओ भाई यहाँ पानी तो देख पानी कैसा छी भाई, कितना गंदा लग रहा है, सड़ा इसको दूर रहो भाई इस पानी से, हाँ भाई पता चला इसमें कुछ रेडिएशन निकल गया तो हम भी लपक गए भाई, यार यहाँ पर हम, ओ हमारा यहाँ पर हमारा कम्युनिटी हॉल हुआ करता था ब्रो, नया नया बनाया था तो गायब ही दिख रहा है भाई, वो कोई पूरा ही गायब कर गया, बाय द वे गाइस कम्युनिटी हॉल से मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा था जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, बहुत खतरनाक बंदा भाई, छोड़ दो भाई, हाँ भाई वो तो भाई उससे तो हाथ जोड़ा भाई, चक्कर में भागे थे यहाँ से भाई, भाई उसका नाम ले लेना वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, और ये क्या है भाई, क्या हाल रखा था असल का, ओ भाई कासल में तो पूरा का पूरा छी भाई, हीरो को कासल के अंदर भी जाएंगे भाई, कासल का क्या हो गया, ये पूरा हर जगह पे वाइंस ही वाइंस, गंदा सा रखा भाई ये बहुत, छी छी भाई, पहले हम लोग गाइस कॉलोनी में जाके देखते हैं, अपने पुराने घरों में जाके देखते हैं भाई, देयर वी गो, अबे ये क्या, ये क्या हो रखा है यहां यार, तुम्हारे घर देखो फूटा पड़ा भाई, ऊपर से देखो दिख रहा है इसे भाई, पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा खंडर जैसा बन गया, तुम लोग देख रहे हो क्या, ये तेरा घर था ना, ये मेरे घर का हाल क्या रखा भाई, ओ भाई ये लिटरली पूरा एसएमपी हमारा खंडर बन चुका है, देख रहे हो तुम लोग, और नीचे देखो भाई कैसे इतना खाई सी देखने में डर लग रहा है, ये देखो यहाँ से कहाँ का, ओ भाई भाई मैं तो नहीं जा रहा अंदर भाई, बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है, तो भाई 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 ओरे मेरे घर के साथ ये क्या कर रखा है यार भाई, सारे के सारे घरों की हालत देखो एक बार यार, घर तो बचे ही नहीं है, अरे ये क्या, ओए रुक जाओ मेरा फार्म भी मेरा, ओ भाई यहाँ तो नीचे जाना मत ब्रो, यहाँ पानी पानी है, और ये गंदा पानी है मेरे हिसाब से पूरा का पूरा, देख रहे हाँ बहुत गंदा ये वाला, गीला गंदा सा बिल्कुल, छी भाई ओए वो 300K वाला वो, ओए पानी पानी इससे दूर भाई, 300K बोर्ड वाले की हालत देख, पूरा टूट चुका है भाई, खत्म एकदम तोड़, छी भाई क्या हो रखा है यहाँ पे एसएमपी में, पूरे पूरा का पूरा वर्ल्ड लाइक एकदम ही खत्म हो रखा है ब्रो, पूरा वो तुमने मीम देखी है, पानी दूर भागना पड़ेगा, अबे यार भाई क्या रखा भाई, छोटा चेतन हूं मैं भाई, तो यार मतलब घर देख के इतना हो रहा है ना भाई, कैसे बनाए थे घर, सारे फूटे पड़े हैं, ये क्या ही चल रहा है ब्रो यहाँ पे भाई साहब, सब कुछ सड़े पड़े हैं भाई, कुछ है ही नहीं ब्रो, कुछ है ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ वाइंस ही वाइंस, और ये सब तुमने एक चीज देखी, हाँ यहाँ सब ठीक है भाई, बस मंदिर बिल्कुल सही है, देखो ब्लू भाई, ब्लू कलर का पानी है मंदिर में, सब कुछ ठीक है, ओ मंदिर का एरिया एकदम साफ है, ओ भाई ओके, ये कैसे, ये कैसे हो रखा है, ओ भाई गाइस एक बार रात को देखो
भाई ये कितना ज्यादा भाई हॉरर नहीं लग रहा है, ऐसा डरावना एकदम। बस देख के रहने का मन नहीं कर रहा भाई अब यहाँ पे। ओ भाई 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 ये लेकिन यार मेरे को ये चीज़। ओ योर हैजमेट सूट इज अंडर लो प्रेशर। ओ ये देख अंदर आ, मंदिर के अंदर आते ही हो गया। लो प्रेशर हुआ ना तेरा भी आया ना। हाँ अरे मंदिर के एरिया में लो प्रेशर है और बाहर जाते ही। ओ भाई कुछ तो बात है भाई। भाई हम लोगों को ना सुन मेरी बात सुन मेरी बात सुन, हम लोगों को ना पहले सोने का देखना पड़ेगा ठीक है, वरना ये देख आने लगे मॉब्स आने लगे। भाई हमारे पास याद रखना आर्मर नहीं है रोनी, हमारे पास हैजमेट सूट है, वही वो तो हैजमेट मैं सूट देख फाड़ देख देंगे के डर लग हमारा। रहा था भाई। डर के रहना भाई, अभी इनने अगर बाई चांस ऐसे नाखून वाखून मारे ना तो ये फट जाएगा, और उसके बाद तो सोच ले फिर क्या होगा। मैं बाहर को जा रहा हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ। मैं भी वहां जा रहा हूँ, क्या कहते हैं लाइक शीप फार्म में जा रहा हूँ मैं, जो भी अपना वूल फार्म था, वूल फार्म से वो। ओ ये बेड है आ जा जा फटाफट सो के सुबह कर लेते हैं भाई यहाँ पर वैसे सोने में। अरे जमीन में क्यों सो गया मैं। तो गाइज यार हम लोग मॉर्निंग तो कर लिए यहाँ पर, बट ये बहुत डेंजरस एरिया है भाई, और ये हैजमेट सूट बहुत सही काम कर रहे हैं। सही बताओ तो भाई, मेरे को लग रहा था लाइक नहीं होल्ड कर पाएंगे इतना ज्यादा, बट ये बहुत सही होल्ड कर रहे हैं अभी तक का। ओ भाई भाई रॉनी सुन, इसको हाथ मत लगाना ठीक है, क्योंकि इसने अगर तेरे को एक मारा ना, भाई ये सारे हाँ म्यूटेंट लोग वही होंगे भाई। वही भाई, ये रेडियो एक्टिव से एक तो बढ़िया हो गए होंगे, और उसके ऊपर से अगर बाई चांस ये तुझे मारेंगे ना तो तेरा हेजमेट सूट फटेगा और फिर तो खत्म है भाई, वही तो मौत थोड़ी ना करानी है यहाँ पे बस। भाई भाई आई थिंक रोनी की लास्ट जगह बचती है फिर जाने के लिए। यार बहुत डरावनी लग रही है यार, मन भाई नहीं कर रहा कासल जाने का का। क्या ही हाल हुआ, एक बार देखो यार। भाई सारे वो देखो वहां पे जो अपना पोर्टल था सारे बंद पड़े हैं भाई पोर्टल। ओ हाँ मैंने ये चीज ध्यान नहीं दी भाई, पूरा पोर्टल टूट गया। क्राइंग ऑब्सीडियन कौन डाल के गया इनमें। वो भाई जो देखो क्राइंग वो सड़ गया होगा ना ऑब्सीडियन भी रेडिएशन से हाँ सही बोल रहे हैं भाई, ये क्या डेंजरस लग रहा है, देख रहे तू नीचे पूरा भाई। इतना जम प्यारा हुआ करता था गार्डन, हाई है। योर हैजमेट प्रेशर सूट हो इज गया अंडर भाई, हाई हाई प्रेशर। तेरा भी है क्या, मेरा अभी भी हाई प्रेशर, मतलब यहाँ पे रेडिएशन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेडिएशन यहीं पर है ब्रो, ये क्या चल रहा है यार इस वर्ल्ड ये में। लाल कैसे हो गए भाई सब कुछ। ओबे भाई भाई पूरा देखना कैसे सड़गल गया है पूरा दीवारें सब वो ही सारा एक को। ओ गंदा हो भाई रखा है, ये क्या ये हो क्या हो गया। रखा है भाई, मुझे आज भी याद है कि हमने यहां पर भाई वो लगा रखा था क्वार्ट्स के स्लैब लगा रखे थे स्मूथ क्वार्ट्स के, ये क्या डाल दिया है गया लावा। ओए पूर्वज वाले वो आर्मर भी जा चुके भाई दोनों। भाई टूटा पड़ा है तो सारा पूर्वज वाला ये जो सिस्टम था हमारा। लावा से बच के आ रहा हूँ, लावा से बच के इन्हें लावे लावा डाल रखे नीचे पूरा। भाई ये क्या हाल हो गया इस जगह का। ड्रोन के पास जा रहे हो तुम भाई, हाँ ना। अरे यार काश मेरे पास वो होती यार एक आयरन की मत पिकैक्स कट होती। रहा रहने दो, छू मत यार किसी चीज को। हाँ ये भी है भाई, ये ड्रैगन एक्टिवेट कर दिए किसी ने सब कुछ। भाई ये क्या क्या हो गया इस जगह का हाल। भाई तब मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत डर लग रहा है, अभी तो नीचे प्रिजन भी तो है एक। ओ हाँ चल 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 प्रिजन देख के आते, प्रिजन में क्या चल रहा है। भाई 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 भाई, भाई, भाई ये क्या ही जगह का हाल हुआ है ब्रो। ओके प्रिजन तो आई डोंट थिंक प्रिजन ज्यादा छेड़ रखा, देख प्रिजन तो वैसे का वैसा ही है ऊपर से वो देखो। वो हाँ प्रिजन की दीवारें भी चेंज कर रहा था क्या, कौन था क्या चल रहा है ये। ये देखो सारी लाइटें गायब है भाई यहाँ से, ये देखो ऊपर देखो चेन लटक रही है बस खाली। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक क्या चल रहा है ब्रो इस एसएमपी में भाई, पूरा देख रहे हो तुम। मैं निकलते हैं यहाँ से मैं मदद जा से रहा हूँ भाई तो। इधर से बाहर को, बाहर को चलते फटाफट फटाफट। भाई सुन इधर से चलते हैं बीच हाउस चलते हैं। अरे बीच हाउस तो गए नहीं हम लोग, आ जा भाई मैं यहाँ पे कहता हूँ, घूम के आ जा मजा जा आता है फटाफट भाई मेरे पास। भाई बीच हाउस निकलते हैं, सही है ना बेस्ट बेस्ट। भाई बीच हाउस में अपने पास गेम्स है सब कुछ एकदम खतरनाक वाला भाई, क्या अरे चल ही हम लोग पोर्टल सही। एक्टिवेट कर लेते हैं ना बीच हाउस वाला। हाँ अरे नौजिया ये क्या हो रहा है है तेरे को ही भाई, पड़ा क्या नौजिया। भाई मेरा सर घूम रहा है भाई। ओ हमारा हैजमेट सूट बहुत लो एचपी पे ब्रो, उसने बोला था ना अरे हाई यार प्रेशर तो ये फट गया, कैसे ब्लीड कर रहा भागो है। बाहर भाई, भाई ओ भागते भाई बाहर भागते हैं। व्हाट, ओ अरे भाई नहीं सब क्यों यार जान लग गई पॉइजन आ गया भाई, मर गए हम भाई। बाहर भागते ना पॉइजन से मरेंगे थोड़ा ना, एक हाफ आर्ट तो ले भाई। जाएगा ना नहीं आपको। भाई अरे जब हाफ आर्ट होगा ना तब, अबे हाफ आर्ट हो गया यार भाई ये क्या हो गया। ओ भाई किसी की आवाज आ रही है बड़ी तेज। भाई वो आने वाला है भाई, गारंटी आने वाला है। हाथ चला रहे यार। तो गाइस यार पता नहीं क्या चल रहा है भाई हमारे वर्ल्ड में, मजाक भी नहीं कर रहा भाई, ये फ्लीट एसएमपी रहा भी कि नहीं मेरे को नहीं पता भाई, और खास करके ये रेडिएशन का क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ये सारी चीजें हमें पता करनी पड़ेंगी। रोनी मैं मजाक नहीं कर रहा भाई।
भाई सही में यार, मेरे को तो बहुत अजीब सा हो रहा है, क्या हो रखा है यहाँ पे पूरा। भाई हमें अपने एसएमपी को वापस लेना पड़ेगा भाई, वो जगह जहाँ हम रहते थे वो वापस लेनी पड़ेगी हमें। सही में भाई यार, ये ना बहुत अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, हमने तो 1 साल हो गया ना छोड़े हुए। वही तो बोल रहा भाई, हम 1 साल में क्या है भाई, यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो गया एकदम ही, मतलब जगह ही क्या ही चल रहा है ब्रो यहाँ। यार मैंने कहा तो सब छोड़ो भाई, भागते हैं यार भाई, वो वापस ना आ जाए वो चीज, भाई मेरे को डर लग रहा है। हाँ वैसे बात तो सही है भाई, वो जो भी था वो वापस ना आ जाए, इसलिए अभी तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास ना हैजमेट सूट है ना कुछ है, और भाई निकल ही लो भाई यहाँ से। निकल लो भाई चुपचाप साइड से, गली से पतली गली निकाल के निकल लो। गाइस यार हम लोग फ्लीट एसएमपी पे तो चले गए और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा लाइक पुराने वर्ल्ड में जाके, बट पूरा का पूरा एसएमपी लाइक लिटरली तबाह हो चुका है भाई, रुइंस है वहां पे सिर्फ और सिर्फ, और मुझे ये तो पता भी नहीं कि वो फ्लीट एसएमपी रहा भी कि नहीं रहा, क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग आगे जाके पता जरूर करेंगे अगर तुम लोगों ने 100K लाइक कर दिए, और बाकी कॉमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम लोग देखना चाहोगे आगे भी, तभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हमें तो भाई सही बताओ तो डर तो लग रहा है, बट हाँ अगर तुम लोग देखना चाहोगे तो हम लोग आगे जाएंगे। बाकी यार जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, 3 मिलियन की तरफ को बढ़ रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।